हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे चाणक्य ऑफ पॉलिटिक्स चौधरी ब्रह्म प्रकाश पाल जी को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चौधरी ब्रह्म प्रकाश पाल जी अपनी सेवाएँ दूसरे समाज को भी दे सकें, साथ के साथ अपने समाज को भी दे सकें। तो फ्रेंड, जो भी समाज के लोग, चाहे वो सैक्या सैनी समाज हो, लोधी समाज हो, कुर्मी समाज हो, पाल गडेरिया समाज हो, या कोई भी समाज हो फ्रेंड, तो उनको अगर जीत हासिल करनी है तो प्लीज़ इनका एक बार परामर्श जरूर लें। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड, देख लेते हैं चौधरी ब्रह्म प्रकाश पाल जी, जो कि प्रोफेशन से एडवोकेट हैं, तो इनको एडवोकेट ब्रह्म प्रकाश पाल जी भी कहते हैं। तो इनका देखिए फ्रेंड, नाम ब्रह्म प्रकाश पाल है और इनका जो पुराना गांव है जहाँ के ये रहने वाले हैं, ये गांव ऐछर पड़ता है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और अभी इनका जो करंट रेजिडेंस है वो गुर्जर कॉलोनी दादरी में है। तो फ्रेंड, इनकी जो एजुकेशन है वो LLB किया हुआ है इन्होंने। और फ्रेंड, इनका जो प्रोफेशन है वो ये एडवोकेट है, पॉलिटिशियन है और एग्रीकल्चरिस्ट है। तो फ्रेंड, ये अपने आइडल जो है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर को मानते हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को मानते हैं, काशीराम जी को मानते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को मानते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी को मानते हैं, महात्मा गांधी जी को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को मानते हैं और संगोली रायना जी को मानते हैं। तो फ्रेंड, अभी जो ये करंट पार्टी में है तो वो फ्रेंड BJP में है, ये भारतीय जनता पार्टी में है। और फ्रेंड, इन्होंने जो अदर कुछ पार्टियाँ ज्वाइन की थी वो फ्रेंड शुरुआत इन्होंने बसपा से की थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद इन्होंने फ्रेंड भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी यानी कि BSKP को ज्वाइन किया। और काफ़ी जो ये पार्टी सोई हुई थी या बिल्कुल धरातल पर थी, इसको बूम अप करने का काम किया था। उसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट ये पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, समाजवादी पार्टी। और फ्रेंड फाइनली ये अब है भारतीय जनता पार्टी में। तो देख लिए फ्रेंड, हम देखते हैं किन किन लोगों के पॉलिटिकल गुरु रहे हैं, यानी कि किन किन लोगों को इन्होंने जिताने का काम किया है। तो फ्रेंड देखिए, तेजपाल नागर जो कि गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं और ये अभी करंट में MLA दादरी नोएडा है। तो फ्रेंड ब्रह्म प्रकाश पाल जी ने तेजपाल सिंह नागर जी को जिताने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, काफ़ी उनको दिलासा दिला, इनको लग नहीं रहा था कि वो जीत पाएंगे, क्योंकि दोनों ही मास्टरी यानी कि टीचर प्रोफेशन से हैं दोनों लोग। ब्रह्म प्रकाश पाल जी भी टीचर रह चुके हैं पहले और उनके पिताजी भी टीचर थे और तेजपाल नागर जी भी टीचर हैं। तो फ्रेंड इनको लग नहीं रहा था तेजपाल सिंह नागर जी को कि ये जीत पाएंगे, लेकिन फ्रेंड इस तरीके से रुख बदला इन्होंने तो जीत इनकी पक्की हो गई थी। दूसरा नाम आता है फ्रेंड चौधरी राजाराम पाल जी का, जो ex MP और MLA हैं कानपुर से। नेक्स्ट नाम आता है चौधरी नरेंद्र कश्यप जी का, जो पूर्व में कई साल से लगातार गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट के राज्यसभा सांसद रहे हैं और करंट में अभी OBC मोर्चा BJP के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। तो इनके क्या हैं फ्रेंड, ये पॉलिटिकल गुरु हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने कई पार्षदों को जिताने का काम किया है, ग्राम प्रधानों को जिताने का काम किया है, जिला पंचायत सदस्यों को जिताने का काम किया है और ब्लॉक प्रमुख और BDC को जिताने का इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और बहुत से लोग इनसे जीते हैं, आज भी वो लोग इनके पैर छूते हैं। तो फ्रेंड ये नेशनल प्रेसिडेंट थे भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी के 2007 से लेकर 2012 तक। फ्रेंड ये थोड़ा ईयर में इंटरचेंज हो सकता है, जिस व्यक्ति ने हमको डिटेल दी है हो सकता है उनके भी डिटेल कुछ गलत हो सकते हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो फ्रेंड थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो सकती है। और फ्रेंड इनका जो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है वो एक तो अपनी खुद की शेफर्ड कम्युनिटी पर है और जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, जैसे धीवर हो गए, नाई हो गए, लोहार हो गए, ठीक है, कुम्हार प्रजापति हो गए, जाटव समाज हो गए, वाल्मीकि समाज हो गए, तो इन सब में इनकी फ्रेंड काफ़ी इन्फ्लुएंस है। क्योंकि अपनी बातों से मोहित कर लेना, ये कला सबसे बेस्ट मुझे लगता है चौधरी ब्रह्म प्रकाश पाल जी को ही आती है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड ये कब से पॉलिटिक्स में है। तो देखिए फ्रेंड चौधरी ब्रह्म प्रकाश पाल जी 1985 से पॉलिटिक्स में हैं। तो फ्रेंड इन्होंने वेरियस पार्टी ज्वाइन की, जब ये बसपा में थे तो उन्होंने कई राज्यों का विजिट किया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी वर्क किया फ्रेंड, क्योंकि इन्होंने अपनी स्टार्टिंग ही BSP से की थी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी से। तो इन्होंने काफ़ी स्टेट को विजिट किया और फ्रेंड
बीएसपी में आने से भी पहले फ्रेंड ये इनकी पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी थी। तो फ्रेंड इन्होंने काफ़ी स्टेट का पहले से विज़िट किया और बाद में भी बहुत से स्टेटों को विज़िट किया। और फ्रेंड इनका जो ये वर्क था पॉलिटिकल पार्टी में, देखिए फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया राजा रामपाल जी के काफ़ी साथ रहे हैं, राजा रामपाल जी इनको बिल्कुल नाम से जानते हैं। राजा रामपाल जी भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो शायद वो भी पहचान जाएं कि अरे ये तो अपने पुराने मित्र से मुलाकात हो गई आज यूट्यूब पर। तो फ्रेंड काफ़ी इनके चाहने वाले भी थे जो पॉलिटिकल होते, क्योंकि जीत का जो एक सूत्र होता है, देखिए फ्रेंड चाणक्य जैसे था, चाणक्य को जीत के सूत्र पता थे क्या क्या चीज़ फॉलो करनी है क्या नहीं करनी है, किसको निग्लेक्ट करना है किसको अडेप्ट करना है। तो फ्रेंड वो सारी चीज़ें जिस प्रकार चाणक्य को आती थी, तो इसी प्रकार से फ्रेंड चौधरी ब्रह्म प्रकाश पाल जी को ये गुण है। अगर आपको कभी इनसे मिलने का मौका मिले, आप इनसे किसी पॉलिटिकल बात पर, जातिगत पॉलिटिक पर आप बात छेड़ दीजिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पर आप बात छेड़ लीजिए, किसको हराना है किसको गिराना है किसको उठाना है, कैसे कोई गिर सकता है कैसे कोई उठ सकता है, तो आप एक बार इनसे बात छेड़ कर देखेंगे तो फ्रेंड आपको सारी का खा बता देंगे। तो इसलिए फ्रेंड क्या है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो समाज की हैं या गैर समाज की हैं या जो नेशनल हैं या स्टेट लेवल की हैं, तो उसमें काफ़ी फ्रेंड ये इन्होंने का बढ़ चल के रोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड इनकी जो जब ये मायावती जी की पार्टी में थे, तो उनकी मायावती जी के साथ और काशीराम जी के साथ बहुत अच्छी डील थी, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड इनका जो खुद का स्ट्रांग बैकअप है, वो खुद की एक तो गद्दी गडेरिया धनगर कुरुबा भेड़िहार जाति से जिसे बिलोंग करते हैं, इसमें इनका बहुत अच्छा दबदबा रुतबा है। उसके बाद क्या है फ्रेंड कि अगर कुछ ऐसा इनको मौका मिले, भाजपा में भी हैं अभी, इनको कुछ ऐसा मौका मिले कि अभी जो जम्मू कश्मीर में लद्दाख में थोड़ा खुचल पुचल चल रही है धारा 370 को हटाने और 35A को हटाने के बाद, तो फ्रेंड उसमें क्या हो गया है कि वहाँ के जो बहुत सारे लोग हैं वो एंटी इंडियंस हो गए हैं, ठीक है, एंटी नरेंद्र मोदी हो चुके हैं, एंटी अमित शाह हो चुके हैं। क्यों फ्रेंड? क्योंकि वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से लोगों को भड़का दिया है कि हिंदुस्तान हमें खा जाएगा, मोदी जी हमें खा जाएंगे, अमित शाह जी हमें खा जाएंगे। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शेफर्ड कम्युनिटी है स्पेशली गद्दी और बकरवाल जम्मू कश्मीर में, या जो अदर ओबीसी या एमबीसी जाति हैं, धीवर हो गए, नाई हो गए, लोहार हो गए, जाट हो गए, तो फ्रेंड इन सब जातियों को एक यूनाइटेड करने का काम या इंडिया के फेवर में करने का काम या बीजेपी के सपोर्ट में करने का काम, ठीक है, तो वो ब्रह्म प्रकाश पाल जी से शायद कोई बेटर अच्छा कर पाए। अब आप बोलेंगे अरे भाई इतने राज्यपाल बैठे हैं, आईएसपीसीएस बैठे हैं, वो क्या करेंगे? देखिए फ्रेंड वो अपने हिसाब से काम करते हैं क्योंकि वो लोग बड़े लेवल के लोग होते हैं, वो बड़े लेवल पर ही सोचते हैं, उनको छोटे लोगों की कोई परवाह नहीं, वो बड़े लोगों को तो अपने अंदर में कर लेंगे, छोटों को कैसे कर पाएंगे। तो फ्रेंड छोटे लोगों को वही हैंडल या ट्रिगर कर सकता है या अपने साथ कर सकता है जो छोटे लेवल का खुद हो, यानी जो छोटी जाति से आता हो या इस तरीके से जो आता हो, तो फ्रेंड उसको काफ़ी कैसे लोगों को यूनाइट करना है, क्या उनकी नस पकड़नी है, कौन सी नस दबाने से उनका फेवर में आ सकते हैं, कौन सी नस दबाने से वो जो अलगावाद है या आतंकवाद है उसके अगेंस्ट हो सकते हैं, तो वो फ्रेंड एक उन्हीं की तरह रहने वाले ही लोग आसानी से जान सकता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड इन्होंने किन किन पार्टी में काम किया। तो देखिए फ्रेंड ये 2014 से बीजेपी में है, इससे पहले फ्रेंड ये समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले ये भारतीय सर्वोदय क्रांति पार्टी में थे, और उससे पहले ये बहुजन समाज पार्टी में थे। तो फ्रेंड ये इनका पॉलिटिकल पार्टी का कैरियर है, अच्छा वक्त है, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा कर भी लेते हैं, बोलते ही बोलते अच्छा नहीं है, अच्छा करते भी हैं। फ्रेंड ऐसे लोग जो हैं बहुत कम हैं, स्पेशली आपको देखिए जनरल में तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एमबीसी में यानी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं इंडिया में, उनमें ऐसे लोग मिलना असंभव है। जो आपके ट्राइबल्स लोग हैं स्पेशली जो आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में है, ऐसे लोगों में जो ट्राइबल्स हैं स्पेशली उनमें भी ऐसे लोग मिलना मुश्किल है, और साथ ही साथ जो शेफर्ड कम्युनिटी है उनमें भी ऐसे लोग मिलना मुश्किल है। तो फ्रेंड आपको समझ में आया होगा बहुत डायमंड है ये पॉलिटिक्स के, हमारे गद्दी गडेरिया कम्युनिटी के। तो फ्रेंड आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।